जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। इंटरनेट की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं कि हम लोग पैन कार्ड कैसे ऑनलाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड की मदद से। मतलब आप लोग जानते हैं केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर होता है, और उसी बेस पे केवाईसी यहाँ हो जाती है और आसानी से हम पैन कार्ड ऑनलाइन मंगा सकते हैं। दिक्कत ये होती है कि जो नॉर्मली हम लोग ऑनलाइन करते हैं गूगल के माध्यम से, मतलब कोई साइट का यूज नहीं कर रहे हैं तो वहाँ सिग्नेचर का दिक्कत आता है, तो वो एरिया ब्लैंक आता है, हम अपने हाथ से परमानेंट पेन से सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। या फिर वो आईडी जो बनाते हैं अलग से सीएससी वाले से बनाइए आप करिए, तो हम नॉर्मली सीख रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे सिर्फ, और ये याद रखिएगा कि ज्यादातर चीजें आपको ये सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एनएसडीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। यही ज्यादातर आपको चीजें प्रोवाइड करता है। क्या नाम है इसका? एनएसडीएल। या आप ऑनलाइन पैन लिख देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, एनएसडीएल लिखिए। एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, या यहाँ लिखा हुआ है बगल में, कहीं भी लिख लीजिए, एनएसडीएल का फुल फॉर्म है। यही ज्यादातर चीजें प्रोवाइड करता है ऑनलाइन करने में, ठीक है। इनके बारे में चाहे तो पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसके सीईओ कौन है? माजा चुंदरू, पता नहीं कौन है, खतरनाक नाम है इनका, चुंदरू, ठीक है। या ऑनलाइन पैन लिखेंगे तो भी यही इंटरफेस आएगा आपका, ऑनलाइन पैन, या उसका ऑफिशियल साइट क्या है पैन कार्ड का, एनएसडीएल, क्या है, एनएसडीएल। अब क्या करेंगे इस पे, यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा होगा सामने सामने, क्या, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, क्लिक करें। तो पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये क्या होता है, ऑनलाइन पैन क्या होता है। ये इनकम टैक्स के द्वारा एक वो लॉन्च किया जाता है टैक्स पर्पज से। जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम 49 स्टेप अप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस टाइम पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, और ये क्या करता है, टैक्स पे के लिए होता है। और आपको पता ही होगा कि नियमतः बहुत सारे टैक्स के नियम कानून हैं, टैक्स कैसे पे करते हैं, ये महंगाई क्यों आती है, कारण ये है कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो इलिजिबल है टैक्स देने के लिए, लेकिन वो टैक्स की चोरी करते हैं और उनका करना हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि हर कोई एक लिमिट दायरे के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने इनकम टैक्स पढ़ा है, उस टाइम लिमिट कुछ ऐसी थी, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिएगा, अभी चेंज हो गई है, लेटेस्ट नहीं पता है मुझे क्या है फिलहाल में, लेकिन मेरे टाइम स्लैब रेट क्या था ध्यान से देखिएगा। जैसे कि जो टैक्स देना होता है उनका एक एज लिमिट होता है, जैसे अगर 0 से लेके 59 साल का कोई व्यक्ति होता है तो उनकी टैक्स लिमिट कैसे होती है कि स्टार्टिंग के 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना है। ये मैं पढ़ा था पहले, अभी नहीं है, अभी बदल गई है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिएगा। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, नील, कोई टैक्स नहीं, ठीक है। और 2.5 लाख से लेके अगर 5 लाख के बीच में कमाते हैं, 5 लाख के बीच में, तो उनको 5% का टैक्स देना, कितना, 5%। और 5 से लेके 10 के बीच में कमाते हैं तो 20% का टैक्स देना होता है, और अगर 10 लाख से अबव कमाते हैं तो 30% का टैक्स उन्हें देना होता है। इसके लिए है, 0 से 59 साल के व्यक्ति के लिए, और 60 से 80 साल के बीच के व्यक्ति के लिए, जिनको बोला गया है सीनियर सिटीजन, उनका एज लिमिट है, सॉरी टैक्स लिमिट है 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 3 से लेके 5 के बीच में 5% लगेगा, और 5 से लेके 10 लाख के बीच में आपका 20% लगेगा, और 10 लाख से अधिक पे 30%। और ये सुन लीजिए, ये नॉर्मल एडल्ट की बात हो गई, ये सीनियर सिटीजन की बात हो गई, और इससे भी ऊपर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, जो किसी ऊपर होते हैं 80 से अब होते हैं। अब अगली लिमिट इनका नहीं होता, क्योंकि हो सकता है 80 से ऊपर हो गए, तत्काल टपक गए, जैसा भी हो, या आगे तो एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, लेकिन 80 साल से हो गए। इनकी टैक्स लिमिट क्या थी जब मैं पढ़ा था, तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और 5 से लेके 10 के बीच में 20%, 20% है ना, 5-10 की लिमिट क्या है, 5-10 की लिमिट क्या है, देखिए 20%, और 10 से अब पे, मतलब इनके में 5% लिमिट कहीं है ही नहीं है, देख रहे हैं ना, 30% ये लिमिट होती थी, इस बिहाफ पे हम टैक्स निकालते थे इनका, ठीक है। तो इस टाइम स्लैब बदल गया है, अभी 0 से लेके 59 साल के व्यक्ति का हो गया है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, रेट बदल गया है। अब देखना पड़ेगा क्या क्या आया नया, आप लोग देखिएगा, लेकिन जब मैं इनकम टैक्स जब पढ़ा था तो ये था स्लैब रेट, ठीक है, बात क्लियर है। एज के हिसाब से ये देना पड़ता है, और टैक्स वो पर एनम की बात होती है, और हर कोई इलिजिबल है, लगभग ज्यादातर लोग इलिजिबल है, टैक्स की चोरी करते हैं, वही चोरी करते तो दिक्कत है, ठीक है। महंगाई का टाइम ये भी तो है, जैसे जैसे जनरेशन बदलेगा, पीढ़ियां बदलेंगी,
कॉमन सी बात है, चीजें महंगी होंगी। जो चीजें पहले सस्ते में मिलती थी, अब 10 साल बाद 5 साल बाद वो चीजें महंगी तो होंगी, क्योंकि आपको ये बात बात भी पता है कि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। किसी भी चीज का दाम कब बढ़ता है, रेट कब बढ़ता है, प्राइस, जब डिमांड ज्यादा होती है तो चीज उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ता है, या कमी हो जाती है तो रेट बढ़ा देते हैं लोग। इस सब बहुत दिक्कतें आती हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो जो इनकम, जो पैन कार्ड है वो बनाया जाता है आपको, उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है हमें? 14A क्या भरना पड़ता है? परिणाम पर एनम, अभी बोला हूँ, पर एनम का मतलब क्या होता है? महीना होता है। और मैंने अभी जस्ट कुछ बोला आपको, शायद मैंने बातों को ध्यान नहीं दिया आप। जब बोलना है हाथ उठाइए, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ। ठीक है, इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है हमें? 14A, देखिए तो, सॉरी 49A, सॉरी माय फॉल्ट, 49A। और यहाँ पे कुछ नियम कानून है इसके लिए कि एक्ट 270 बी, जितने भी बी लगते हैं, BU, वो तो सब संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन बोला जाता है। जैसे संविधान बनाया गया तो उसमें ये भी डाला गया है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल शायद 268 में कि इसमें कहा गया है बात कि संशोधन किया जा सकता है संविधान में। संशोधन का मतलब सुधार, क्योंकि उस टाइम बना था तो उस टाइम क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, बदलना पड़ता है। तो कहा गया है कि जो भी पैन कार्ड का होता है, टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर आप इसमें कोई भी गलत डिटेल देते हैं तो आपको 10,000 का पेनाल्टी देना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। या पैन कार्ड पहले से बना हुआ है, दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ डाटा बदल के, तो पेनाल्टी के तौर पर। अदरवाइज आपका पैन कार्ड पहले से पता है, बना है और दोबारा ट्राई कर रहे हैं, तो लास्ट में लिख दिया जाता है कि इस आधार से आपका पैन कार्ड ऑलरेडी बना हो। समझ में आ गई बात ना? तो देखिए कैसे करेंगे। तो अगर कोई पूछता है कि किस एक्ट के द्वारा इस पे पेनाल्टी वगैरह लगाई जाती है, तो आप बताइएगा एक्ट 1961 के तहत। इसके तहत 1961 के तहत इस पे पेनाल्टी लगाई जाती है, कितने की? 10,000 रुपए की। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिएगा कि जब भी हम पैन कार्ड भरते, मतलब फॉर्म फिलअप करते हैं, तो कौन सा फॉर्म भरते हैं? 49A। ये भी लिख लीजिएगा कि जब भी हम पैन कार्ड बनाते हैं तो कौन सा फॉर्म भरते हैं? 49A, सेक्शन ये बताता है, सेक्शन 49A फॉर्म नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, न्यू पैन, न्यू पैन इंडियन सिटीजन, न्यू पैन फॉरेन सिटीजन, दे रहे ना, तो उसका देखिए 49AA है फॉरेन सिटीजन के लिए। जैसे होता है ना कभी वहां का आके यहाँ रहने लगा, या आपको कोई चेंज या करेक्शन कराना है या रिप्रिंट करना। रिप्रिंट का मतलब ऐसा होता है कि आपका पैन कार्ड पहले से बना हुआ था और कहीं गुम हो गया, तो दोबारा से मंगवाना चाहते हैं तो रिप्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें नया बनाना है तो कहाँ क्लिक करेंगे? न्यू पैन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ कैटेगरी लेते हैं, तो कैटेगरी का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कमाते हैं तो उसमें सोर्स ऑफ इनकम होते हैं कि बॉडी ऑफ पार्ट, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से इनकम है, किस फॉर्म से, किस ट्रस्ट है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, क्या है। तो हम लेते हैं इंडिविजुअल, यहाँ स्वनिर्भर की बात होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ले लिया, नीचे करेंगे तो आपके नाम से पहले टाइटल मांगेगा। टाइटल का मतलब जानते ही है, मिस्टर मिसेस कुमारी, तो यहाँ देगा श्री और श्रीमती और कुमारी। लड़कियां जो हैं जिनकी शादी नहीं हुई कुमारी लगा सकती हैं, जिनकी शादी हुई श्रीमती, और हम शादी हुई हो ना हुई हो, हम लोग श्री लगेगा। आज तक पापा के नाम से पहले लगाते थे, आज अपने नाम से पहले भी लगा लीजिएगा। ठीक है, मैंने ले लिया श्री। लास्ट नेम यानी सर नेम पे क्या नाम है आपका? अली, अली ना, ALI, क्या डाल दिया मैंने? ALI डाल दिया। और फर्स्ट नेम इनका डाल दिया क्यामुद्दीन, क्यामु DTT, सही है। और मिडिल नेम इनका कुछ है नहीं, मिडिल नेम जैसे होता है ना, जैसे लिखते हैं आपके सोनू सर लिखते हैं सोनू कुमार यादव, तो कुमार क्या हो गया मिडिल नेम। ठीक है, अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं आधार कार्ड के भी आप पे, जो भी होगा बताओ बाबू। 2004 था ना, 2005 5, और ईयर मंथ कौन सा है? नहीं हो पाएगा क्या? हो जाएगा, हो जाएगा, चलिए उसके बाद से शायद दिक्कत हो, कोई बात नहीं, वो तो गया है, हो गया। ईमेल आईडी बता दीजिए। अली दोरो 46 एट द रेट, ठीक है, ईमेल आईडी हो गया। मोबाइल नंबर बता दीजिए, 9648, सही है, देख लीजिए। तो अब यहाँ इसको ट्रिक करेंगे, यहाँ कैप्चा कोड देंगे, यहाँ तक ज्यादातर कैप्चा कोड कैपिटल लेटर में आते हैं, भले से छोटे लिखे तो क्या हुआ, सारे कैपिटल होते हैं यहाँ पे, अक्सर देखिएगा अक्सर यहाँ पे कैपिटल ही होंगे।
DNDF फाइव क्या करेंगे, सबमिट में क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे ये आपको टोकन नंबर देगा, ये टोकन नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और कॉपी भी कर ले रहा हूँ ताकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे अगर बात। कभी भी टोकन नंबर, ये टोकन नंबर कब तक वैलिड रहेगा, 30 दिन तक, आज के बाद 30 दिन तक ये वैलिड रहेगा इस टोकन नंबर से, आप फॉर्म भरेंगे कंटिन्यू करेंगे पैन के साथ। चलिए तो यहाँ आएगा पर्सन डिटेल का, आप जो भी केवाईसी सबमिट करना चाहते हैं कैसे करना चाहते हैं, पेपरलेस, बिना पेपर के कर रहे हैं हम लोग, बिना पेपर के कर रहे हैं ना, ऑनलाइन कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नीचे करिए, हाँ वही पेपरलेस का मतलब आधार से होगा। नीचे करेंगे फीस अप्लीकेबल है इसका, अब आपके आधार का लास्ट का 4 डिजिट मांग रहा है, बताइए तो 4110। अब यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, आई हियर बाय एग्री दैट माय फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार कार्ड बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरा वही फोटो जो शानदार वाला है आधार कार्ड पे वही पैन कार्ड पे भी है, तो हम यस या नो में कर सकते हैं, यस कर लेंगे या नो, ओके ठीक है, हाँ वही वही आएगा मस्त वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से दिखाएगा, टाइटल लगा हुआ है, लास्ट नेम लगा हुआ है, नाम है आपका, नाम है जो पैन कार्ड पे आएगा क्यामुद्दीन अली, और आपका जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों के बारे में जानते ही आप लोग, हमने ले लिया मेल। अब उसी ऑप्शन को हम टच करेंगे जिस पे स्टार बना हुआ है, बाकी को टच नहीं करना है, देखिएगा बहुत जल्दी हो जाएगा। नीचे करिए, नीचे करेंगे तो पिताजी का सरनेम मांगेगा, बताइए सरनेम भाई लास्ट वाला होता पहले, एस आई डबल डी आई क्यू यू आई सही है, पिताजी का नाम, इनका दिक्कत होगा, उसे क्या दिक्कत होगा, आपके आधार कार्ड में पापा का सिद्दीकी नहीं लगा है ना, लगवा रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं देखते हैं। यहाँ देखिए मदर्स नेम ऑप्शनल है, मतलब माता जी का नाम डालिए तो भी ठीक, नहीं डालेंगे तो भी ठीक, क्योंकि आएगा किसका नाम, पिताजी का, आप चाहते नहीं मेरे पैन कार्ड में माता जी का नाम है जो यहाँ सिलेक्ट है फादर नेम, इसमें क्या कर लेंगे मदर कर देंगे, तो मदर का आएगा, लेकिन ज्यादातर बेहतर यही होता है कि फादर का नाम होता है, ठीक है फादर नेम ही रहने थे, और माता जी का नाम डालने की जरूरत नहीं है, क्या कर दिया मैंने, नेक्स्ट कर दिया। अब पूछेगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो मैंने कह दिया नो इनकम, अभी कोई इनकम नहीं है इनका, अभी आपका कोई इनकम नहीं है, यानी आप दिखा सकते थे कि आपको सैलरी मिलती है या हाउस प्रॉपर्टी डीलर है, आप समझ रहे हैं ना जो भी है, तो मैंने कहा कुछ नहीं है, नो इनकम हो गया। अब इतना सारे सीमा का धक्का धक बढ़ने लगे, नहीं चुपचाप कुछ करना नहीं है, बस नीचे आइए नीचे आइए नीचे आइए, जो स्टार वाले वही काम करना है। अब आपको मांग रहा है कंट्री का कोड, ISD कोड, तो आपके कंट्री का कोड क्या होता है 91, याद है ना इंडिया का जो भी नंबर होता है 91, जैसे 91 लिखेंगे यहाँ इंडिया का आ जाएगा 91, आ गया 91, इस पर क्लिक कर इंडिया हो गया। थोड़ा ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, कारण ये होता है कि ज्यादा टाइम लेंगे तो ये पेज एक्सपायर हो जाएगा, जितना काम किया उतना खत्म, फिर दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आएंगे और क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, क्या कर देंगे नेक्स्ट। अब आपसे मांगेगा आपके एरिया का कोड, आपका EO टाइप नंबर, रेंज कोड और EO नंबर, पता है आपको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो परेशान नहीं होना है आपको, आप सबसे पहले क्लिक करेंगे कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ। देखिए दो बातें आती है, सिटीजन और रेसिडेंस का, सिटीजन का मतलब होता है नागरिकता और रेसिडेंस का मतलब होता है निवासी, तो नागरिकता और निवासी में अंतर क्या है, नागरिकता कहीं एक जगह की ही होती है, वह बार बार बदलती नहीं है, लेकिन निवासी स्थान बदल सकता है। भारत का इनकम टैक्स का नियम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में एक वर्ष में 182 दिन भारत में बिताता है तो वह व्यक्ति उस वर्ष भारत का निवासी कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में एक साल में 182 दिन भारत में बिताता है तो वह व्यक्ति उस वर्ष, सिर्फ उस वर्ष की बात हो रही है, भारत का क्या कहलाएगा, निवासी कहलाएगा। निवासी और नागरिकता में अंतर है, निवासी स्थान प्रतिवर्ष बदल सकता है लेकिन नागरिकता प्रतिवर्ष नहीं बदलती है, वो फिक्स रहती है, कहीं एक जगह की रहेगी। जैसे अक्षय कुमार जो है रहते इंडिया में है, नागरिकता कहाँ के लिए रखे हैं, कनाडा के। अदनान समी है पाकिस्तान के, नागरिकता कहाँ के लिए रखे हैं, इंडिया का। ठीक है, ऐसे तो हमने कहा इंडियन सिटीजन है, आपका स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ले लिया, और आपका सिटी क्या है, कुशीनगर, कुशीनगर ना, अरे भाई वो सिटी का मतलब वो सिटी नहीं है, यहाँ सिटी का मतलब डिस्ट्रिक्ट है, काइंडली सेव करने के लिए कह रहा ना, वरना लूज कर देंगे डाटा को। कुशीनगर आ गया, कुशीनगर
यहाँ सिटी का मतलब सिटी नहीं होता, सिटी का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, याद रखिएगा। अब आ गए यहाँ पे कुछ, अभी इससे पहले नहीं था, या जो सर्कल बना हुआ है बस इसे क्लिक कर दीजिए, बस क्लिक हो गया। जैसे क्लिक करेंगे देखिए ऊपर सब भर गया होगा। आपका एरिया कोड एल के एन है, एओ टाइप डब्लू है, रेंज कोड 26 है, एओ नंबर 91। अरे कुछ ना कुछ उसका नंबर होगा भाई, रेंज नंबर अभी चेक कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नीचे आइए और क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो दिखाएगा कि आई नो आईवी, जो भी आईवी क्यामुद्दीन अली, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हरसेल या हिमसेल, हिम लगता है लड़कों के लिए, हर लगता है लड़की के लिए, ले लीजिए। और नीचे करेंगे कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं आप, फॉर्म पटरौना से, जीआईटी नहीं डाला जाए, पटरौना जहाँ भरते हो, सबमिट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबमिट। अब आपसे मांगेगा आधार कार्ड का आखिरी का शुरुआत का 8 डिजिट, स्टार्टिंग से। नहीं हाँ 3121 और क्या था, 38, नहीं अच्छा 5 डिजिट, ठीक है। अब नीचे करेंगे, नीचे करेंगे सब कुछ देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा, सब दिखा रहा है। श्री अली क्यामुद्दीन, डेट ऑफ बर्थ 23/2005, पापा का नाम सिद्दीकी मैनुद्दीन, नो इनकम, आपके इंडिया का कोड 91, मोबाइल नंबर आपका, एओ टाइप नंबर जो भी है, ये सब हो गया, आधार नंबर हो गया, इशू हो गया। आप क्या कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। अब तो पेमेंट करना है, तो हाँ पेमेंट करना है, जो जो भी है 106 रुपया 90 पैसा मात्र, और आप लोग 150 या 200 देते हो, 250 का कहीं नहीं, यहाँ जाइए दीजिए, यहाँ पर हम 150 नहीं लेंगे। लोकल वाले तुम्हारे लोकल हैं तो लोकल हैं ना। बता हाँ घर पे, हाँ पोस्ट के माध्यम। अब आप कोई मेथड सेलेक्ट करिए और क्या करिए, आई एग्री पे क्लिक करिए और क्या कर दीजिए, प्रोसीड पेमेंट, और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होने के बाद पूछ रहा है 106 रुपये 90 पैसे, पेमेंट होने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं होगा। अब पेमेंट करने के बाद 2 बार आपको ओटीपी वेरीफाई कराना पड़ेगा, कितनी बार, 2 बार। एक बार तो नॉर्मल ऑथेंटिकेट दो ऑप्शन देता है, कंटिन्यू का और ऑथेंटिकेट का। आप ऑथेंटिकेट कराएंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो उससे आधार लिंक है उसमें ओटीपी आएगा 6 अंक का, वो मैच कराएंगे, फिर केवाईसी के लिए आधार नंबर पूरा डालेंगे, फिर ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे, तब जाके आपका पैन कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। और आपकी रजिस्टर जहाँ जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है, उसके माध्यम से आपके तक 15 या 20 दिन के अंतर्गत आपके घर पहुंच जाएगा। आप पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करना चाहता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर। मैंने कहा क्यूआर, क्यूआर पे क्या किया, क्लिक किया, मेक पेमेंट पे क्लिक किया, अब क्यूआर यहाँ आ जाएगा, मेक पेमेंट कर लिया। वर्चुअल एड्रेस मांग रहा है, यूपीआई आईडी मैं डाल दे रहा हूँ वही वाला, 9628045697@YBL, मेक पेमेंट पे क्लिक किया। अच्छा अब मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्या होगा, इस पे एक नोटिफिकेशन क्या होगा, पे या डिक्लाइन का ऑप्शन होगा, कर देंगे पैन कार्ड। देखिए कितना आसानी से पैन कार्ड बनता है, और इसका आप लोग 200-250 रुपया खर्च करते हो, है कुछ नहीं इसमें। माइनर क्या हुआ, माइनर पेपर वर्क होता है या फिर सीएससी वाले करेंगे, हाँ उसमें लगता है ना, डिटेल दिखाना पड़ता है कि आप 18 से कम है, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा। यहाँ तो आधार कार्ड से सारा काम हो गया ना, फिर को बनवाना होगा बताइएगा, यहीं बनवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कब कहूँ, मैं किस और से बनाया हूँ, जा आते ही बनाना है, कोई दिक्कत है कर लेंगे आप लोग। यही आज की आपकी टॉपिक थी पैन कार्ड, इसका वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। इसको हाँ क्या हो गया है, दोबारा निकालना है, ऑप्शन वही सेम चार्ज लगेगा, चेक करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। NSDL चेक कर लेते हैं, रिप्रिंट करेगा पे क्लिक करिए, रिप्रिंट वाला ऑप्शन लिए यहाँ पे देखिए, और इंडिविजुअल कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी कंटिन्यू तो एप्लीकेशन है, जब बाद में करते हैं, जब बाद में करना होता है, समझ रहे ना,
कंटिन्यू एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जो नहीं कहा टोकन नंबर होता है, मान लीजिए आज पेमेंट इनका नहीं किए, वो मन करा कल नहीं परसों करेंगे, जब पैसा होगा मेरे पास तो टोकन नंबर यहाँ डालिएगा, वो टोकन नंबर था, ईमेल आईडी डालेगा इनका, और क्या करेंगे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर सी कैप्चा कोड, फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां पेमेंट वाला ऑप्शन था। कहां ऑप्शन पे गए, कंटिन्यू विद एप्लीकेशन से अप्लाई ऑनलाइन में चेंज ऑफ करेक्शन, इंडिविजुअल ले लिया, ट्री ले लिया, सरनेम में बताइए, अरे सरनेम नहीं पता, देख के बताओगे, सिंह है ना, शर्मा रहे हो गया तुम, बस बात करिए, क्लास लाइव है, बात मत करिए आप, क्या नाम है बाबू, रतन प्रताप, लेकिन मिडिल नेम करके नहीं लिखते हो ना, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए, सही बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ मंथ कौन सा है और डेट, अरे यार ठीक है, ठीक है ना, 88 2002 सही है, मेल आईडी बता दीजिए, रतन प्रताप, अरे स्पीच दे रहा है क्या, प्रताप सिंह, हाँ क्या, संतावन, ठीक है ना, मोबाइल नंबर बता दीजिए, ओटीपी वाला नहीं, वही जो आधार कार्ड से जो हो आपका, 63 92 69, हाँ और मुंह में बोल दो थोड़ा सा, बता कहीं के 0 04, क्या हुआ जी, हाँ नंबर वो खतरनाक है तुम्हारा, पूछ रहा है वेदर सिटीजन इन इंडिया, हाँ नागरिक है ना भारत के, हाँ पैन नंबर बताइए अपना, पैन नंबर बताइए, पैन नंबर बता दीजिए, पैन नंबर PHD पी यस 7593, एक अक्षर और होगा अल्फाबेट, हाँ पी है, लाओ हमको दिखाओ, क्यों दुधला आ रहा है जी, गजब का फोटो खींचा है बाबू, तो जाके दो चार बार एक महीने तक फोटो तो खींचो पहले, तो समझ में आ रहा है, पी है जी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं वही यूज कर ले रहा हूँ, यहाँ भी पी है, LP SD, और क्या करेंगे सबमिट कर देंगे, वही टोकन नंबर आपका भी आ गया, स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, आधार नंबर का लास्ट का बताओ, 4 6 4 2 5 6 4 2 5, यस, जेंडर मेल, पिताजी का बताइए, सिंह REME, स्पीच देखे शंकर एक ही में, देख लीजिए तो स्पेलिंग सही है ना,
बताओ वो इस पर नंबर फिर से बताओ। PhD, पी PhD, पी PS है ना। ठीक है, और कुछ लिखने नहीं कर रहा है। इसमें क्या कह रहा बनने के लिए यार? कॉपी अभी हम मांग रहा है ना, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या डाला जाए? कॉपी या पैन कार्ड डाला जाए? आपको डालना पड़ेगा, नो डॉक्यूमेंट कर दे रहे हैं, देख रहे हैं। वो खुला हुआ था ना, सेशन एक्सपायर्ड हो गया। चलिए इसको फिर से कल ट्राई कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सेम प्रोसेस। हाँ टाइम लगता है भाई, मैंने बोला नहीं है कि जल्दी जल्दी बताइए, मैं अभी जस्ट बोला हूँ कि जल्दी जल्दी करना पड़ता है, वरना क्या होता है सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है, ये तो बोला हूँ। क्या बहुत आसान तरीका है, यही होता है। टिन का नंबर क्या होता है? टिन जो लिखते हैं टिन, उसका लिख लीजिएगा। टिन नंबर भी होता है ना, उसका लिख लीजिएगा टेक्स्ट इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है। अच्छा टिन नंबर भी होता है, जैसे पैन नंबर होता है वैसे टिन नंबर भी होता है। क्या होता है? वर्क WORK होगा, गलती लिख दिया है, ठीक है, लिखा है टेक्स्ट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। आप ट्राई करिएगा बाबू जी, जो सेम प्रोसेस कर रहे थे ना, सेम प्रोसेस करिए, बस हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सबको। थैंक यू क्लास। ये तो नहीं।